नमस्कार दोस्तों, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा है भारत और इंग्लैंड का, वैसे वैसे इंग्लैंड की दिक्कतें भी बढ़ती चली जा रही हैं। उसको पता है कि जितने ज्यादा रन बन रहे हैं उतने ज्यादा रनों से उसकी हार होगी। अब ऐसे में पिच को जो लोग दोष दे रहे थे उनकी पोलती जो है अपने आप बंद हो गई होगी, क्योंकि माइकल वॉन जो इंग्लैंड के पूर्व कप्तान हैं वो बहुत ज्यादा रो रहे थे, दिक्कत हो रही थी उनको, रोतला पर शुरू कर दिया था। रोतलू तो हैं वैसे भी अंग्रेज के तमाम खिलाड़ी। अब ऐसे में माइकल वॉन जो हैं उन्होंने भी रोना ये शुरू कर दिया कि पिच बड़ी बेकार है, ये पिच ऐसी है, बताइए 5 दिन वाली पिच तो कहीं से नहीं है, और हमारी टीम बताइए 134 पर ऑल आउट हो गई। इंडिया पहले बैटिंग कर ली तो क्योंकि अच्छा विकेट था तो इंडिया ने 3 रन बना लिए। अब तो आपको डूब कर मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। अब तो तीसरी बैटिंग कर रही है इस विकेट पर इंडिया, आपने 134 बनाए और हम 250 से ज्यादा बना चुके हैं। अगर विकेट खराब होती तो हमको तो 134 से भी कम पे ऑल आउट हो जाना चाहिए था। मतलब विकेट में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपके खिलाड़ियों में है, दिक्कत इंग्लैंड के गेंदबाजों में है जो टीम इंडिया को आउट नहीं कर पाए, दिक्कत इंग्लैंड के बल्लेबाजों में है जो रन नहीं बना पाए। अब ऐसे में माइकल वॉन को तमाम क्रिकेट समर्थक जो हैं वो जवाब दे रहे हैं, और पूर्व क्रिकेटर और एक्सपर्ट जो हैं सुनील गावस्कर, उन्होंने भी जबरदस्त लतार लगाई है माइकल वॉन को। क्या जवाब दिया है आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि हमने देखा रोहित को 150 रन करते हुए, और कल वो गेंद के पास जाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। पिच की आलोचना करना काफी गलत है, कुछ लोग इसको लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन आपके इंग्लैंड में सीमिंग पिच होती है। ऑस्ट्रेलिया महज 46 रनों पर ऑल आउट हो गई थी, गेंद हर समय हवा में लहराती रहती है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। हमेशा भारतीय पिचों की बात की जाती है और जब गेंद टर्न लेने लगती है तो लोग परेशानियों को प्रस्तुत करने लगते हैं। उनका ये सीधा निशाना माइकल वॉन पर था जिन्होंने कहा था कि पिच खेलने लायक नहीं है। सुनील गावस्कर ने पहले मैच की पिच का जिक्र करते हुए कहा कि वो खेलने लायक नहीं है, ये एक चैलेंजिंग पिच है और यही क्रिकेट है। पहले टेस्ट में पहले 2 दिन जब कुछ भी नहीं लग रहा था तो लोग कह रहे थे काफ़ी बोरिंग है, कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ बल्लेबाजी करना काफ़ी आसान है। तो आप जो बोल रहे हैं उसमें बैलेंस होना ज़रूरी है, यानी कि वो सीधा सीधा निशाना साध रहे थे माइकल वॉन को जिन्होंने कह दिया था कि पिच तो खेलने लायक नहीं है। और टीम इंडिया ने भी उनको ज़बरदस्त जवाब दे दिया है कि अगर आप चाहेंगे तो इस पिच पर दूसरी इनिंग में भी सैकड़ा जड़ सकते हैं, जैसे कि रविचंद्रन अश्विन ने जड़ा है, आप अर्धशतक भी लगा सकते हैं जैसे विराट कोहली ने लगाया, और आप 200 से ज़्यादा रन, 250 से ज़्यादा रन भी बना सकते हैं। इच्छा शक्ति चाहिए और उसके लिए टैलेंट चाहिए, बहानेबाजी नहीं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।